नमस्कार सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं मृदुला। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर अब तक खत्म नहीं हुई थी, तब तक से तीसरी लहर ने अपना तेजी से पाव पसारना शुरू कर दिया है। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना से बचने का एकमात्र ही जीवन का उपाय है, वो है वैक्सीन। ऐसे में वैक्सीन की कमी में बहुत बड़ा बाधक बन सकता है कोरोना को हराने में। सुबह की हेमंत सरकार संक्रमण की तीसरी लहर से को लेकर लगातार चिंता जाहिर करते हुए जंग और व्यवस्थाओं में इजाफा की बात कर रही है। वहीं कोरोना वैक्सीन की कमी को भी दरकिनार नहीं किया जा सकता। ऐसे में असमंज की स्थिति भी बनी हुई और लोगों को चिंता सता रहा है कि हमारा नंबर कब आएगा। गौरतलब है कि वैक्सीनेशन अभियान को वैक्सीन की कमी ने सुस्त कर दिया है और जरूरत के हिसाब से वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। वहीं रांची सिविल सर्जन ने इसकी जानकारी देते हुए आमजनों की समस्या और वैक्सीनेशन को लेकर अपने प्रयास को भी बताया है। फिलहाल 2 से 3 दिनों के भीतर केंद्र की ओर से झारखंड के करीब 2.5 लाख वैक्सीन का डोज मिलने की उम्मीद है। अब देखना होगा कि तीसरी लहर से पूर्व प्राप्त होने वाली वैक्सीन कितना जीवन बुटीक का काम करता है। वैक्सीनेशन में जितनी वैक्सीन आती है उसके हिसाब से हम लोग का उसका बनता है ये चार्ट जी। तो गांव में और शहर में मिला के शुरू में 80-90-100 तक चार्ट बनता था, जिसमें शहर गांव मिला के होता था। तो आज के डेट में उतना नहीं है, चूँकि वैक्सीन की सप्लाई पूरी तरह से रेगुलर नहीं हुई आ रही है, लेकिन बीच बीच में गैप भी हो जा रहा है, इससे लोगों को दिक्कत हो रही है। और कोवैक्सीन अभी आया भी नहीं है, कोवैक्सीन की सप्लाई थोड़ी कम है और कोविशील्ड हम लोग के यहाँ है। तो सारे लोग बीच में जो गैप हो जाता है, तो लगातार लोगों में हड़बड़ाहट है, लोगों में है कि जल्दी से जल्दी वैक्सीन ले लें, तो उसके लिए लोग अनावश्यक भीड़ होती है। लेकिन जैसे जैसे वैक्सीन की उपलब्धता होगी हम लोग उसको ठीक करें। ग्रामीण क्षेत्र आधा घंटा से वैक्सीन मिल रहा है जी। वैक्सीन मिल रहा है क्या? पता नहीं, तो लाइन में खड़े हैं। हाँ। वैक्सीन मिलने का इंतजार कर रहे हैं। हाँ, पूरा मारामारी चल रहा है यहाँ। मारामारी तो ऐसा नहीं है, लेकिन लाइन लगी हुई है। कहाँ से आए, क्या नाम है? ये मोहित कुमार सिंह मेरा नाम है। बिहार झारखंड के तमाम खबरों के लिए बने रहे सिटी पोस्ट के साथ। धन्यवाद।